गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड टीवी में या फिर स्मार्ट टीवी में प्ले स्टोर को कैसे का डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, अभी आप देख सकते हैं मेरे टीवी में आपको प्ले स्टोर दिख रहा होगा। चलिए गाइज, मैं आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। गाइज, अभी हमारे टीवी में व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं आपको इसे ओपन कर भी दिखा देता हूँ। एंड आप कुछ इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको ये जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं अभी, आप इन सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैंने आपको अभी प्रूफ तो दिखा दिया, अब हम लोग बात करते हैं आप इसे अपने एंड्रॉइड टीवी में या फिर स्मार्ट टीवी में कैसे का डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, इसमें आपको काफी बारीक बारीक चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो हाँ, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, वरना आप अपने एंड्रॉइड टीवी में या फिर स्मार्ट टीवी में गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा गाइज, आपके एंड्रॉइड टीवी का या फिर स्मार्ट टीवी का इंटरफेस इससे काफी अलग हो सकता है, लेकिन जो इसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड प्रोसेस है ये पूरी सेम ही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइज, आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में। गाइज, अगर आपने क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड करके नहीं रखा है तो इसे कैसे का डाउनलोड करना है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे देखकर आप अपने एंड्रॉइड टीवी में क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है। गाइज, अगर आप अपने एंड्रॉइड टीवी को माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हो, और अगर आप इसे जानना चाहते हो कि कैसे का कनेक्ट करें, तो गाइज इसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है technoaditya.in। और इसे आपको सर्च कर लेना है। गाइज, अभी आप देख सकते हो आपको इस तरीके से कुछ सर्च करना है। और इसे सर्च करने के बाद आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है एलईडी टीवी में प्ले स्टोर कैसे इंस्टॉल करें। गाइज, आपको कुछ ऐसा ही सर्च करना है पूरा सेम। तो चलिए इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। गाइज, इसे सर्च करने के बाद आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। तो आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेक्शन दिखाई देगा। गाइज, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना होगा। गाइज, इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखते रहना है, इसका पासवर्ड आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड इसका पासवर्ड डालने के बाद आपको क्लिक हियर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड 1 दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। वो जो फाइल है वो मेरे सामने आ चुके हैं। चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉइड टीवी का फाइल मैनेजर में चले जाना है। अभी मैं एफएक्स फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। गाइज, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस फाइल मैनेजर को, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने एंड्रॉइड टीवी में फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड इसे ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने एपीके फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए गाइस, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर। एंड अभी आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एंड अभी मैं आपको जैसे कि एमएक्स प्लेयर को डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, एक्सेप्ट। एंड ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। मैं जैसे कि इसे आपको ओपन कर दिखा देता हूँ।
गाइज इसका पासवर्ड है 903381। गाइज आप कुछ इस तरीके से अपने एंड्रॉइड टीवी में गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।